नमस्ते, मैं हूं अमर और आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। आज मेरे साथ दो ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इंडियन म्यूजिक को अभी तक इतने सहेज से और प्यार से रखा हुआ है कि हम लोग को बीच बीच में जो ओजी कंपोजिशंस आते हैं, जो टाइमलेस होते हैं, वो हमें मिलते हैं। मैं हूं सचिन और जिगर के साथ। हाय, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक। लॉन्ग डे एट प्रमोशंस, हेक्टिक है कि फन है? नहीं, फन है। मीडिया इंटीग्रल पार्ट है एंटरटेनमेंट का। आप ही लोग हैं जो हमें हमारे फैंस से कनेक्ट करते हैं, तो जितना अच्छा काम करना जरूरी है उतनी ही शायद जरूरी है फैंस तक पहुंच पाना। तो थैंक यू फॉर द लवली एफर्ट्स यू गाइस टेक। वी लव इंटरव्यूइंग यू गाइस, क्योंकि कम होता है कि म्यूजिक स्पेस में हम इंट्रोड्यूस करें और गाने तो दे आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। तो मेरे को आपसे पूछना है, 2006 फालतू और 2024 अभी तक क्या बदला है और क्या सेम रहा है? व्हाट हैज चेंज फॉर यू गाइस एंड व्हाट हैज रिमेन्ड द सेम? व्हाट हैज रिमेन्ड द सेम और एक्चुअली आई मस्ट से हैज इंक्रीज अ लिटिल बिट इज द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क। वो ना कभी कम होगा और ना कभी कम होना चाहिए। यू नो, विथ मोर ईयर्स पासिंग वी हैव रियलाइज दैट हार्ड वर्क कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। वो कोई चांस नहीं है। क्या चेंज हुआ है? मीडियम ऑफ म्यूजिक कंजम्पशन चेंज हुआ है, फ्रॉम सीडीज टू पेन ड्राइव टू नाउ कम्प्लीटली डिजिटल। फालतू वॉज द फर्स्ट फिल्म जो कम्प्लीटली डिजिटली रिलीज हुई थी फॉर म्यूजिक। मतलब बेसिकली फालतू की सीडीज नहीं बनी थी। देयर वॉज द फर्स्ट फिल्म जिसका म्यूजिक जो सीडीज सिर्फ प्रमोशन के लिए बनी थी, उसका पूरा म्यूजिक ऑनलाइन रिलीज हुआ था। फालतू डिजिटली रिलीज हुआ फर्स्ट फिल्म, एंड वाशु जी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू हैव थॉट ऑफ दैट एटलीस्ट इन दिस स्पेस। तो और अब तो म्यूजिक का कंजम्पशन चेंज हुआ है, बहुत सारे माध्यम आ गए हैं टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, लॉट्स ऑफ सोशल मीडिया, सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आर्ट इज कमिंग आउट एवरी डे। तो आपको अपने आप को रेलिवेंट और स्टैंड आउट कराने के लिए इसलिए हार्डवर्क बढ़ गया है, एंड राइटफुली सो। हार्डवर्क ऑलवेज करना ही पड़ेगा। तो मीडियम्स चेंज हुए हैं लेकिन एफर्ट सिर्फ बढ़ते चले हैं या सेम रहे हैं। आप जैसे अभी सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, रील कल्चर बहुत आ गया है। अभी क्या है, पहले मैं देखता था 8 मिनट के भी गाने होते थे, फिर अर्ली 2000s 4 मिनट 6 मिनट, अभी मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ गाने 2 मिनट के होते हैं। 2 मिनट के गाने बने, खत्म हो गए और वो रील में आएंगे, वो सबसे ट्रेंडिंग पार्ट जो होगा वही लोग सुनेंगे एंड पीपल विल। तो ये कल्चर आपको कैसे लगता है? क्या डज दैट ब्रिंग इन जो एक ओजी गाना होगा, जो एक ओरिजिनल कॉम्पोजिशन होगा, उसमें अंतरा होगा, मुखड़ा होगा, तो इट विल ऑब्वियसली नॉट बी ऑफ 2 मिनट्स। तो ये जो कल्चर है, क्या ये किसके कारण आ रहा है? इज इट बिकॉज ऑफ द डिमांड और कि आलस आ गया बहुत सारे कंपोजिशन? नहीं, आई थिंक कि फेम पाना ईजी और सस्ता हो गया है। आप बहुत बड़ी प्राइस नहीं पे कर रहे हो फेमस बनने के लिए। अब अपने घर में एक सेटअप खरीद के 15 सेकंड में कुछ मैजिक करके, तो दो हिस्से होते हैं हर सिक्के के। तो एक हिस्सा जो अच्छा हिस्सा है वो ये है कि अब किसी भी बंदे को वो मशक्कत नहीं करनी है अपना टैलेंट डिस्प्ले करने के लिए। जो बुरी बात है वो ये है कि लोग अक्सर कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि अच्छा अभी तो इजी है तो इजी रास्ता चुनते हैं, हर चीज पे फिर वो इजी रास्ता ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं है। 5 मिनट का गाना सुनने के लिए जितनी कोशिश करनी चाहिए उतनी कोशिश करनी चाहिए, और 5 मिनट तक आप ऑडियंस को रोक सको अपने काम अपने इन योर बॉडी ऑफ वर्क, फिर आज की जनरेशन अपनी 15 सेकंड ढूंढ ले। ढूंढ तो लेती है वो। हाँ, और मुझे अच्छा लगता है कि वो लोग अपना अनअपोलोजेटिकली कर रहे हैं। बट इज दैट द होल? इट दैट्स नॉट द होल। आप 15 सेकंड की फेम से 15 साल टिक पाओगे? नहीं टिक पाओगे। नहीं टिक पाओगे, बिल्कुल सही बात कही आपने। पर क्या डिमांड आपको कभी कभी आती है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स की? नहीं, एक्चुअली बात क्या है कि जो हमारे इन्फ्लुएंसर दोस्त हैं, जो लोग रील्स बनाते हैं, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीडियम है फॉर म्यूजिक डिस्कवरी, म्यूजिक वहाँ डिस्कवर हो रहा है, तो अगर आप उनको भी बोलो ना कि ये देखिए 15 सेकंड का ही मैंने बनाया है, सो दे आर नॉट दोज पीपल। मुझे लगता है वो लोग भी पूरा गाना सुनने वाले लोग हैं, उनको भी पूरा गाना चाहिए, फिर उसमें से उनको क्या करेक्ट लग रहा है टू शो देयर टैलेंट।
इज वॉट दे डिसाइड बट आर दे वॉन्टिंग टू लिसनिंग टू अ 15-second सॉन्ग नहीं गाना सुनने वाली ऑडियंस अलग है जो पूरा म्यूजिक पीस भी सुनती है हाँ ये ज़रूर है कि जब हमने शुरू किया तब हम खुद 2 अंतरे के गाने या 3 अंतरे के गाने नहीं सुनते थे राइट हमको ऐसा लगता था क्यों नहीं सुनते थे क्योंकि शायद हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम हर जो गाना पसंद है उसको खरीद सके तब म्यूज़िक महंगा था तो रेडियो पे आते थे गाने और रेडियो पे क्या करते थे रेडियो पे रेडियो एडिट होता था जिसमें से म्यूज़िक पीस कहीं कट गया है अब्रप्टली कट गया है पूरा अंतरा उड़ गया है तो जब हमने म्यूज़िक बनाना शुरू किया जैसे फालतू में देखो एक एक अंतरे के गाने थे हमने सोचा अगर ये रेडियो के लिए एडिट ही होने वाला है तो हम ही क्यों उसको ठीक से ना करके दें वाई शुड वी हैव हम ऐसा क्यों कोई गाना दे जो किसी को लगे मुझे काटना पड़ेगा हम ऐसा गाना देते हैं जो आदमी पूरा सुने और दोबारा सुने इसलिए साइबो जैसे गाने में भी सिर्फ एक अंतरा है तो ये इट हैज कम फ्रॉम दैट क्योंकि हम रॉन्गली कटा हुआ ऑडियो सुनते थे रेडियो पे और तब ना दिल जलता था कि यार किसी आदमी ने इतना सोच के एक पार्ट बनाया होगा वो उड़ गया तो हम नहीं चाहते हमारा बना हुआ कोई पार्ट रैंडमली कट जाए इसलिए हम कंसाइज गाने बनाते हैं चेजिंग सक्सेस इज नॉट नेसेसरीली द राइट वे ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल अर्ली 2000s की बात करें 2006 से जैसे भी आप बताए थे व्हाट डू यू मिस अबाउट द अर्ली 2000s जैसे मैं बहुत ज्यादा रोम कॉम्स मिस करता हूं एकदम कुछ कुछ नो ब्रेनर होती थी बट उनको देख के एक अलग ही जॉय मिलता था अबाउट व्हेन वी कम टू म्यूजिक व्हाट डू यू मिस if there is anything I miss having to buy an album having the value of buying music अब आप एक ईयरली सब्सक्रिप्शन में पूरा ही मतलब लॉट आपको मिल जाता है आप पता नहीं कितना वैल्यू कर पाओगे एट द सेम टाइम अर्ली 2000 में मैं फलाने ढिमके देश का संगीत नहीं सुन पाता था आज उसी ईयरली सब्सक्रिप्शन में आप दुनिया भर का म्यूजिक सुन रहे तो हर जैसे मैंने कहा कि दोनों पहलू हैं बट सबसे ज्यादा मिस वो होता है कि यार चार लोग मिलके एक सीडी खरीदते थे इतना पैसा नहीं होता था और रहमान सर की तमिल एल्बम भी खरीद लेते थे हम और चार दोस्तों के बीच में एक मंडे रखता था एक ट्यूसडे रखता था जिसका सैटरडे आ जाए उसको सैटरडे संडे 2 मिल जाते थे वो जरूर मिस करता हूँ जैसे आप अभी बोल रहे थे प्राइसिंग की बात अभी मैं बहुत सुनता हूँ डिस्कशन है कि AI has come तो मैंने जसलीन रॉयल से भी पूछा था ये सवाल उन्होंने भी बोला कि मतलब मैंने उनसे पूछा कि अभी AI से ऑब्वियसली आप लोग उसको यूज भी कर सकते हो फॉर मेकिंग बेटर मेलोडीज टू अप योर गेम बट इज AI अ थ्रेट ऑल्सो जिस तरीके से वो AI घुस रहा है लोग शायद म्यूजिक में इतने एजुकेटेड नहीं है बट वो AI से अपना जुगाड़ निकाल रहे हैं सबसे पहले तो AI को एक इंसान की तरह ट्रीट करना गलत बात है कितने लोग जैसे आपने अभी कहा कि AI भी घुस रहा है It's not a human entity, it's a technology, right? First, let's look at it like technology. Now, technology is going to come with benefits, always, if you look at it from the right way. उसके अपने फायदे हैं वो जैसे हम मैं और सचिन भी डिस्कस करते हैं बहुत सारे क्लैरिकल म्यूजिक इज नॉट ओनली अबाउट क्रिएटिव क्रिएटिव के बाद एक बहुत बड़ा क्लैरिकल जॉब है कि यहाँ ये ट्रैक्स बन के इसको एक्सपोर्ट करके वहाँ तक भेजने हैं Now that takes hours. Now AI can take over that. और हम लोग 4 घंटा सो सकते हैं या दूसरा गाना बना सकते हैं अच्छा उसमें कोई ह्यूमन एरर की वजह से वो पूरी प्रोसेस वापस करनी पड़ती है अब वो ह्यूमन एरर अवॉइडेबल है क्योंकि वहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है कोई भी दिमाग लगाने वाली चीज में मुझे नहीं लगता है दैट देर इज एनी थिंग एज ऑफ नाउ विच इज एज पावरफुल एज अ ह्यूमन ब्रेन AI कैन ओनली work with the data that it has the data that we give पर आज मुझे एक नया आइडिया आया है और जब तक मैं उसको बताऊंगा नहीं वो नहीं एग्जीक्यूट करेगा इसलिए अगेन वी हैव डिस्कस दिस इसलिए अब एक्चुअल ह्यूमन म्यूजिशियंस लाइव परफॉर्मर जो एक लाइव इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी 1000% जैसे लोग मुझे भी कहते हैं कि अभी चैट GPT आ गया है तो कंटेंट राइटर्स का जॉब जा रहा है लेकिन जब मैं मूवी देख रहा हूं तो मूवी रिव्यू तो मैं ही लिख पाऊंगा वो लोग नहीं तुम्हारे 10 रिव्यूज को देख के AI एक रिव्यू देगा ये सैंपलिंग फ्रॉम व्हाट इज ऑलरेडी पब्लिश्ड करेक्ट सो फर्स्ट वी हैव टू नॉट लुक एट इट लाइक अ ह्यूमन इट हैज द ब्रेन दैट वी हैव गिवन
नाउ कमिंग टू द लास्ट लेग ऑफ द इंटरव्यू, जैसे अभी बहुत रॉयल्टीज की बात होती है, तो मैं अपने वही अपने कजिन ब्रदर से पूछ रहा था कि क्या होता है, तो वो मुझे समझाया, मुझे तो समझ नहीं आया, मेरे को वो कमिंग फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड एक नूब को समझ नहीं आया, पर रॉयल्टीज किस तरीके से काम करती हैं और इन इंडिया स्पेशली अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री में इज इट वर्किंग बिल्कुल जिस तरीके से लीगली काम करनी चाहिए फॉर इंडियन कंपोजर? नहीं, जावेद साहब ने खूब लड़ करके हमारे लिए एक जगह बनाई है, वो अधिकार या हक मांगने की जो हमको वैसे ही मिलना चाहिए था, अभी भी बहुत सारी जगह नहीं मिल रहा। अच्छा। तो इंडिया में वो उतना फ्लुएंटली नहीं वर्क कर रहा, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोड्यूसर्स को, म्यूजिक लेबल्स को वो पैसा वापस लौट करके आता था, अब वो पैसा उनको हमारे साथ शेयर करना पड़ रहा है। वर्ल्ड वाइड ऐसा नहीं है। माइकल जैक्सन ने अपनी पूरी जिंदगी में इतने सारे गाने नहीं रिलीज किए होंगे जितने प्रीतम सर ने कर दिए, बट क्या माइकल जैक्सन के पास रॉयल्टी इनकम प्रीतम सर से ज्यादा थी? हाँ, ऑफ कोर्स ज्यादा थी। तो मैं इसलिए स्टॉलवर्ड्स के बीच की कंपैरिजन आपको बता रहा हूँ कि जब वहां के पीआरएस में हमारे लोग गए थे बात करने के लिए, तो जब उन्होंने समीर साहब से मुलाकात की, और समीर जो लिरिक राइटर है, समीर अंजान, तो उनको बोला कि जितना काम आपने किया यू शुड बी ओनिंग एन आइलैंड। तो मैं आपको सिर्फ एक अंदाजा दे रहा हूँ कि रॉयल्टी एक्चुअली, क्योंकि क्या है कि जिसने गाना बनाया, जिसकी ओरिजिनल थॉट है, उसको क्रेडिट मिलना चाहिए उस चीज का, अगर वो गाना जाके पूरी सिस्टम के लिए, पूरी इकोसिस्टम के लिए अगर पैसा बना रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें से एक हिस्सा डेफिनेटली। अब उसमें विचारधाराएं हैं कहीं सारी, इस वजह से थोड़ा सा मतभेद है, और इस वजह से लड़ाइयां भी हैं कि कोई बोलता है कि नहीं हमारा एफर्ट ज्यादा है, कोई बोलता है हमारा एफर्ट ज्यादा। खैर, वो ऑल सेड एंड डन, थैंक्स टू द लाइक्स ऑफ जावेद साहब एंड टू द मेनी अदर्स जिन्होंने बहुत एक्टिवली इस क्षेत्र में काम किया, पूरा कोविड हर म्यूजिशियन के घर पैसा आया है। पर देखिए, जितना आना चाहिए वो एक अलग बात है, पर जो बिल्कुल जीरो था वहां से हम बहुत आगे आए, एंड विद द कंटिन्यूअस एफर्ट्स ऑफ सो मेनी स्टॉलवर्ड्स, आई एम श्योर दैट इट विल टेक टाइम, बट वी विल गेट देयर, डेफिनेटली, फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड लास्टली बिफोर वी लीव, अभी बहुत सारे जो नेटिजंस हैं वो स्त्री और स्त्री टू के म्यूजिक को कंपेयर कर रहे हैं आपस में, पर दोनों के मेकर्स आप हैं, तो जब आप दोनों ही मेकर हो और उसी में सेल्फ कंपैरिजन होता है, तो आप लोग का हेडस्पेस क्या होता है? एक्चुअली मतलब जब हमने ट्रेलर लॉन्च किया था, तो ट्रेलर लॉन्च में एक गाना था मिलेगी मिलेगी टू, तो लोग समझने लगे थे कि वो एक गाना है, बट हमने जगत ट्रेलर के लिए ही था वो, जो आपने गाया था जी। तो बट द थिंग इज दैट हम चाहते हैं कि वन और टू में बिल्कुल अलग म्यूजिक हो, है ना? हमें नहीं चाहिए कि हम वन का कोई भी अंश टू में रखे, ताकि इस हॉरर यूनिवर्स में अब कल उठ के मुंजिया टू बनेगी, तो हम थोड़ी उसका पार्ट टू बनाएंगे, फिर हम तो एक ही रीमेक कितनी बार की है, फिर थोड़ा सा आगे चल के, आगे की सोच के हमने डिसाइड किया कि हम बिल्कुल नए टाइप का म्यूजिक करेंगे। ऑल्सो साउंड हैज चेंज्ड फ्रॉम 2018, तो पहले ये जब पहले गाने रिलीज हुआ, आई नहीं और ये, तो थोड़े से जो हार्ड कोर स्त्री वन के फैंस हैं उनको ऐसा लगा कि अरे यार ये तो मजा नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। बट व्हेन द फिल्म रिलीज, व्हेन दे सॉ, और या फिर गाना ही चार बार सुनने के बाद पता चला, अच्छा ये अपनी राइट में इसकी अपनी एक बात है। अब हम जानते हैं कि जब स्त्री थ्री का म्यूजिक आएगा, तो पहले वो स्त्री वन और स्त्री टू के म्यूजिक से कंपेयर होगा, तो वी हैव टू रियली आउटडो आवरसेल्व्स, एंड व्हिच इज अ ग्रेट प्लेस टू बी इन। वो भी प्यारी है, यू गाइस आर डूइंग ग्रेट, और हम लोग रोज ऑफिस में आज की रात तो बताते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर द प्लेजर टू ऑल अस।